हाय एवरीवन सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों इंतजार की जो घड़ियाँ थी वो खत्म हो चुकी है और जेट 2022 की जो काउंसलिंग है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपको मैं बताने वाला हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों यहाँ पर आप अपन देखने वाले हैं सबसे पहले जो जेट 2022 का है आप सभी को पता है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा टेस्ट लिया गया था ठीक है दोस्तों और अब यहां पर अपन स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो ऑनलाइन ऑप्शन है काउंसलिंग के वो कब से स्टार्ट होंगे डेट क्या दी गई है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 अगस्त से 20 अगस्त से यहां पर काउंसलिंग है वो स्टार्ट की गई है इसके अलावा सेकंड अपन देखें कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि तो दोस्तों यहां पर अंतिम तिथि है कि लास्ट डेट मतलब स्टार्ट 20 अगस्त से होगा और इसके लास्ट डेट है दोस्तों 26 अगस्त यदि फॉर्म में कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए सत्ताईस अगस्त यहां पर लास्ट डेट दोस्तों मिड तक नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पहली ऐसा प्रवेश सूची का प्रदर्शन मतलब काउंसलिंग जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो आएगी यहां पर तीन सितंबर को दोस्तों ठीक है इसके आगे अपन देखते हैं कि आवंटन स्वीकार करने और शुल्क जमा कराने या ऊपर की ओर मूल्यांकन के लिए अनुरोध जमा कराने की अंतिम तिथि मतलब यहां पर जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसको उसमें जो शुल्क वगैरह जो डिपॉजिट करवाना है दोस्तों तो उसके लिए डेट है यहां पर छह सितंबर फिर देखते हैं कि साहब सेकंड जो यहां पर ये तो थी फर्स्ट काउंसलिंग दोस्तों ये कौन सी थी फर्स्ट काउंसलिंग थी सेकंड काउंसलिंग की डेट यहां पर दी गई है दोस्तों नौ सितंबर सेकंड काउंसलिंग की डेट क्या है दोस्तों यहाँ पर नौ सितंबर इसमें जो फीस कराने की लास्ट डेट है दोस्तों वो 12 सितंबर है इसके आगे अपन थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि तीसरी जो यहां पर लिस्ट आने वाली है वो कब आएगी दोस्तों यहां पर पंद्रह सितंबर को पहली तो कब आई है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं तीन सेकेंड आई यहाँ पर नौ को और थर्ड आई यहाँ पर पंद्रह सितंबर को फिर इसमें आवंटन स्वीकार करने की जो लास्ट डेट दोस्तों वो है अट्ठारह ठीक है यहाँ पर तीन दिन एक्स्ट्रा दी गई इसमें तो अठारह तक आप इसमें जो फीस है वो डिपोजिट करवा सकते हैं नेक्स्ट इसमें कॉलेज में मूल दस्तावेज के साथ रिपोर्टिंग मतलब कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे दोस्तों वो 22 सितंबर तक होंगे लास्ट डेट कॉलेज में जो फॉर्म वगैरह डिपॉजिट होंगे दोस्तों जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह होगा उसके लिए लास्ट डेट यहाँ पर 22 सितंबर दी गई है फिर अपन बात करते हैं ये तो हो गई काउंसलिंग की बात फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिस्ट तीनों की हमने बात की दोस्तों इसके अलावा यदि मान लो कि स्पोर्ट काउंसिलिंग होती है यदि सीटें खाली रह जाती है तो उसके लिए ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसिलिंग का फॉरम सत्ताईस सितंबर को यहां से स्टार्ट होगा दोस्तों उसकी जो लास्ट डेट है वो गुणतीस सितंबर है दोस्तों फिर है सूची का प्रदर्शन मतलब यहां पर और भी यदि सीटें खाली रह जाती है तो यहां पर अक्टूबर तीन अक्टूबर तक यहाँ पर डेट दी गई है उसकी जो फीस डिपॉजिट करवाने की डेट दोस्तों वो पांच यहाँ पर अक्टूबर है फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो टाइम रहेगा मतलब स्पोर्ट काउंसलिंग आपने करवाई उसके लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग जो टाइम रहेगा उसके लिए सात यहां पर अक्टूबर लास्ट डेट है दूसरी ये तो हो गई फर्स्ट स्पोर्ट काउंसिलिंग सेकंड की बात करते हैं स्पोर्ट काउंसिलिंग में तो यहाँ पर 10 अक्टूबर डेट दी गई है और इसमें फीस डिपॉजिट करवाने की जो डेट है वो दो दिन का समय दिया गया है 12 अक्टूबर यहां पर रहेगा और जो सेकंड काउंसिलिंग जो सेकंड स्पोर्ट काउंसिलिंग है उसमें आप जो कॉलेज में फॉर्म वगैरह डिपोजिट करवाओगे तो उसकी लास्ट डेट दोस्तों चौदह अक्टूबर तो दोस्तों ये मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन बताई है इसकी जो पी है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसके अलावा आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आपको उसका आंसर मिल जाएगा ठीक है दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें थैंक यू